ऑलमोस्ट एक हफ्ते या 6 दिन पहले सूर्या की 42nd मूवी का एक टाइटल अनाउंसमेंट वीडियो आया था, जहां पे उन्होंने अपनी न्यू मूवी का टाइटल अनाउंस किया, जो कि है किंगुआ। और अगर तुमने वो वीडियो देख रखी है तो तुम्हें आइडिया लग गया होगा कि ये मूवी एक्चुअली में एक वॉरियर के ऊपर बेस्ड है, जो कि अग्रियल टाइम्स में इंडिया में था। अब हालांकि ये टाइटल अनाउंसमेंट वीडियो को आए 6-7 दिन हो चुके हैं, यानी कि ऑलमोस्ट एक हफ्ता, तो मैं ये वीडियो इतना लेट क्यों पोस्ट कर रहा हूँ? तो एक्चुअली में ये 5th टाइम है जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इससे पहले 4 बार और की थी मैंने, पर हर बार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। कभी फोकस का दिक्कत आ रहा था और कभी माइक ने धोखा दे दिया। एनीवेज, आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे इसी सूर्या के 42nd मूवी किंगुआ के बारे में, जिसमें अपने को सूर्या के साथ दिशा पटानी लीड रोल में दिखेंगी। अब एक्चुअली में अगर तुम IMDB पे इसका सिनॉप्सिस देखने जाओगे मूवी का, तो मूवी को लेकर सिर्फ एक या आधी लाइन लिखी हुई है, जहां पे ये बताया गया है कि 1600s के टाइम पे एक वॉरियर था जो कि एक डिसीज के चलते मर जाता है, और प्रेजेंट टाइम में एक जो लड़की है उसी डिसीज के ऊपर रिसर्च चालू करती है। तो यही सिर्फ आधे या एक लाइन का सिनॉप्सिस बताया गया है IMDB के ऊपर, जिसके अराउंड पूरी स्टोरी रिवॉल्व करेगी। अब इस सिनॉप्सिस के बारे में तुम और भी कुछ सोचो, उससे पहले मैं तुम्हें एक और बात याद दिला दूं कि ये सिनॉप्सिस शायद तुम्हें सुना सुना लग रहा होगा, और ये सूर्या की ही एक पहले की मूवी से इंस्पायर्ड लग रहा है मुझे, जो कि चेन्नई वर्सेस चाइना थी। चेन्नई वर्सेस चाइना भी एक ऐसी मूवी थी जिसमें ऐसा ही सिमिलर कॉन्सेप्ट रखा गया था। तो जब तुमने एक ऐसी सिमिलर कॉन्सेप्ट वाली मूवी पास्ट में कर रखी है, तो वो मूवी तुम वापस से क्यों करोगे? और लोग अक्सर ऐसे डिसीजन तभी लेते हैं जब वो अपने पहले वर्क से सेटिस्फाई नहीं होते और उसे नेक्स्ट लेवल पे दिखाना चाहते हैं, यानी कि उसे और अच्छे तरीके से दिखाना चाहते हैं। तो होप्स हो कि वो लोग इसे अच्छे तरीके से पुल ऑफ कर ले। एंड अगर तुमने इसका पहले वाला मोशन पोस्टर वाला वीडियो देखा, जो कि 6-7 महीने पहले आया था जब इसकी शूटिंग स्टार्ट हुई थी, तो उसमें अपने को 2-3 बैटल वाले कॉन्सेप्ट देखने को मिले थे, एंड उसी वीडियो के एंड में अपने को एक वॉरियर का पैन आउट होता हुआ शॉट दिखा था एक ईगल के साथ। तो भाई, इन सारी चीज़ों को देखे तो यही मैं कंक्लूड करूँगा कि अगर मूवी के मेकर्स ने इसे अच्छे तरीके से पुल आउट कर लिया, तो शायद ये इंडिया की अगली बाहुबली जैसी मूवी बनेगी। एंड इसके अलावा अगर तुम सोच रहे हो कि ये किंगुआ सिर्फ एक मूवी होने वाली है, तो शायद तुम गलत हो, क्योंकि इस मूवी के प्रमोशनल मटेरियल्स में एंड जहाँ भी इसका प्रमोशन हो रहा है, इसे एक सागा की तरह प्रेजेंट किया जा रहा है, अ सागा ऑफ वेलियंट वॉरियर। तो होपफुली इसमें 3 या 3 से ज़्यादा मूवीज की सीरीज होगी। पर अगर ये किंगुआ एक सीरीज बनती है या फिर ट्रायोलॉजी बनती है, तो फिर LCU का क्या होगा? क्योंकि LCU में भी रोलेक्स का काफ़ी अच्छा खासा रूल है, एंड अगर तुम किसी मूवी सीरीज या फिर किसी ट्रायोलॉजी में वर्क करते हो, तो तुम्हें 6-7 साल तो नहीं भी तो देना होगा। एंड उसके अलावा हम सबको ये नहीं भूलना चाहिए कि भाई, ये मूवी एक VFX हैवी मूवी होने वाली है, क्योंकि पहली बात तो अर्लियर टाइम्स को दिखाने वाले हो, तो उसमें वॉर्स दिखाना पड़ेगा, वॉरियर्स दिखाने पड़ेंगे और वहाँ की सिविलाइजेशन दिखानी पड़ेगी, तो VFX हैवी हो जाती है आपकी मूवी। और अगर VFX हैवी मूवी आपकी है, तो पोस्ट प्रोडक्शन में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो फिर भी नहीं, तो अगर ट्रायोलॉजी होती है तो 7-8 साल पकड़ के चलो। अब अगर इन सब के बीच में डेट्स मैनेज कर लेते हैं सूर्या भाई साहब LCU को और किंगुआ वाले दोनों प्रोजेक्ट्स के लिए, तो हम फैंस के लिए अच्छा है भाई, क्योंकि अपने को दोनों प्रोजेक्ट्स देखने को मिलेंगे और अपन एंजॉय कर पाएंगे। एनीवेज, इसी टाइटल अनाउंसमेंट वीडियो के एंड में अपने को किंगुआ का BGM भी सुनने को मिला, जो कि काफ़ी सही है। मतलब एज ऑफ नाउ मुझे तो बढ़िया लगा, एंड मूवी में किस तरह का इम्पैक्ट वो क्रिएट करेगा, ये तो अपने को मूवी देख के बाद पता चलेगा। अभी के लिए तो मैं भाई इस मूवी के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आप एक्साइटेड हो या नहीं, आप अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और अगर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज और देखना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हो। बाकी मेरा नाम है अविनाश, और मैं भी लूँगा आपसे किसी और दिन ऐसी अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।